नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय अपने इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष उपस्थित हूं एक नए विषय के साथ। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। इस संसार में रहने वाला प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसको उसके इष्ट देव के बारे में पता चल जाए कि कौन से देवता हैं उसके फेवरेबल देवता, जो कि उसको हर समस्या से निकालने में काफ़ी हद तक मददगार हो। तो आइए इसी महत्वपूर्ण विषय पे आज मैं चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ में कि कौन है आपके इष्ट देव। सबसे पहले बता दूं कि इष्ट देवता का जन्म तारीख या फिर जन्म समय से विशेष कोई लेना देना नहीं है। ज्योतिष शास्त्र के आधार पर जब भी आप अपनी जन्म कुंडली बनवाते हैं उसमें इष्ट देवता के बारे में वर्णन आता है या फिर लिख के आता है कि आपके इष्ट देवता ये देवता। जैसे कि मान लीजिए आपके जन्म तारीख के आधार पर आपकी जो जन्म कुंडली है वह मेष लग्न की है। अब मेष लग्न के आधार पर बहुत सारे ज्योतिषी पंचम एवं नवम भाव से इष्ट देवता के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो मान लीजिए आपकी मेष लग्न की कुंडली है और उस लग्न में पंचम भाव सिंह आता है, सिंह राशि वहाँ पर आता है, तो फिर आपके इष्ट देवता बहुत सारे लोगों के दृष्टिकोण से सूर्य हो सकते हैं। लेकिन मैं बता दूं कि आप माँ दुर्गा की उपासना करते हैं या उनमें आपकी अटूट आस्था है तो इस बात का ध्यान रखें कि वह जो आपको सूर्य के बारे में जानकारी प्रदान की गई है उनमें यदि आपकी आस्था ना हो तो फिर उसका लाभ क्या मिलेगा आपको। तो मैं आपको बता दूं कि कई बार क्या होता है कि आप जब भी कहीं सभी देवी देवताओं के पूजा पाठ को आप करते हैं, बहुत सारे देवी देवताओं का मैं खुद भी पूजा पाठ करता हूं, लेकिन आपके इष्ट देवता कौन हो सकते हैं इस बारे में विशेष जानकारी आपको मैं प्रदान कर दूं। कई बार आप जाते हैं किसी यात्रा को करते रहते हैं या किसी भी कार्य के लिए आप आगे बढ़ते हैं तो उसमें कई बार वह कार्य या फिर उस यात्रा में आपकी दुर्घटना होते होते बिल्कुल रह जाती है, आप उससे बच जाते हैं और बचते ही हमारे मन के अंतःकरण से एक आवाज़ आती है जिस देवता का नाम हमें स्मरण होता है कि हे भगवान आपने मुझे बचा लिया। वह दुर्गा देवी भी हो सकती है या फिर भगवान नारायण हो सकते हैं या फिर भगवान गणपति भी हो सकते हैं या फिर कोई और देवता। तो जिनके बारे में भी आपके मन में सर्वप्रथम ख्याल आता है या फिर जिनके ऊपर आपकी अटूट श्रद्धा एवं विश्वास है वही देवता आपके जीवन में बहुत सारे सुख समृद्धि आपको प्रदान करेंगे। अन्यथा आपकी आस्था किसी और देवता पे है और आपको जन्म कुंडली में किसी और देवता के बारे में बताया गया है तो फिर आपकी आस्था ही अगर वहाँ पे नहीं है तो आपकी वह देवी देवता किसी प्रकार की कोई मदद नहीं कर सकते हैं। इसलिए आपकी अटूट श्रद्धा और विश्वास के साथ उस देवता की ही आपको उपासना करना है चाहिए जिसको कि आप सर्वप्रथम किसी भी कार्य में याद करते हैं वही आपके इष्ट देवता होते हैं। इस बात का ख्याल रखना परम आवश्यक है और यदि आप किसी भी प्रकार के संकट में हैं आपको उनको ही सर्वप्रथम याद करना चाहिए। आपके समस्त समस्याओं का समाधान वही देवता करेंगे, उन्हीं के शरण में सदैव आपको रहना चाहिए और उनकी ही भक्ति आपको करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने आपके इष्ट देवता के बारे में आपको जानकारी प्रदान किया। तो मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आप सभी को पसंद आया होगा। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।